दोस्तों, देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एएनटी नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं एएनटी। हांसी CIA पुलिस टीम ने 50,000 के इनामी बदमाश सोनू उर्फ जगदीप को उपमंडल के गांव सिसाए बोलान से अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र वीज ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश सोनू शराब के ठेकेदार सत्येंद्र को मारने की फिराक में था। सूचना मिलते ही CIA इंचार्ज कप्तान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा। इस दौरान पुलिस को देख आरोपी सोनू ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चला दी, जिसमें आरोपी बदमाश घायल हो गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से 315 बोर की देसी पिस्तौल बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र वीज ने बताया कि आरोपी पर दिल्ली में भी मकोका की धारा लगी हुई है। उन्होंने बताया कि हांसी में ऐसे 18 इनामी बदमाश से जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। 3-4 साल पहले जेल में रहा है, CIA स्माल खा में अरेस्ट हुआ था पानीपत में। 3-4 साल ये पहले भी जेल में रहा है। ये मकोका कौन से उस मामले में दिल्ली में चलता था? वहाँ जो बदमाश बन जाते हैं उनके पे मकोका लगाते हैं, जो पक्के गैंगस्टर हो जाते हैं उन पे ये सेक्शन दिल्ली पुलिस में हमारे यहाँ नहीं है, वहाँ पर लगाते हैं। ये इसकी किस गैंग से चेन है इसकी? ये विनोद काणे ग्रुप का है और जो डबल मर्डर हुआ था वो इनके अपोजिट ग्रुप वाले थे। बिट्टू था एक थुराना का और एक लड़का और था, उन दोनों को इन्होंने एक ही बारे में मारा। उसको पैर पे थोड़ी सी लगी है और किसी को नहीं लगी, एक हमारी गाड़ी भी गोली लगी है। गाड़ी क्या करने को किसी संपर्क में था? ये रात को ऐसी जगह छुपता था जहाँ कोई ना हो। एक सत्येंद्र है हिसार से, इसको मारने की उसकी प्लानिंग थी कि उसको मारना है, लेकिन उसके लिए अभी रैकी घूमता फिर रहा था, कभी कहीं रुक गया कभी कहीं रुक गया। ऐसी वो ऐसी जगह रुकता जहाँ कोई ना हो, खुला हो, किसी का कोठड़ा ना हो, कुछ कोई भी ना हो, ऐसी जगह पर ही रुका हुआ था। सत्येंद्र भी क्रिमिनल है क्या सर, जिसको मारने की प्लानिंग? हाँ, वो भी पहले क्रिमिनल है और शराब ठेकेदार। हाँ, उसको मारने की इनकी प्लानिंग। क्या बता रहे थे? क्यों मारा जाए? अभी स्टार्ट हुआ है काम, अभी अरेस्ट ही किया, अभी इंटरोगेशन में और बातें आई। एक्सटॉर्शन भी करता ना क्या? हाँ, एक्सटॉर्शन हमारे नारों में मुकदमा दर्ज है अभी 2018 में ही, 30 लोगों को मुकदमा दर्ज, 10 लाख की विरोधी मांगी थी। अच्छा, उसमें ये अरेस्ट नहीं हुआ था, उसमें भी ये हमारा 50,000 का हांसी पुलिस की तरफ से था और 50,000 पे हिसार पुलिस की तरफ से था। मतलब जो हमारे वाला थे 4th महीने में डिक्लेयर हुआ था, हिसार का उससे पहले डिक्लेयर हुआ। इसके बाद से क्या क्या बरामद हुआ है? अभी इसके बाद से दो कट्टे, एक कट्टा और एक पिस्तौल बरामद हुई है और पिस्तौल में साथ 3 राउंड मिले हैं और उसमें एक मिस फायर मिला है। ये अभी कोई व्हीकल नहीं है इसके पास, ये किसी से टच में नहीं रह रहा था, अकेला ही रैकी कर रहा था और मिलाने का ऐसा लगता है कि जैसे कुछ और मिलाने की कोशिश कर रहा हो कि और किसी को मिलाया जाए, लेकिन अभी पूरी पूछताछ नहीं हुई है, पूरी पूछताछ के बाद ही सारी बात हुई। सिसाए वो घर नहीं है, ऐसे कोठड़ा सा, ओपन कोठड़ा। कोई शेल्टर देता है सिसाए में इसको क्या? अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, इंटरोगेशन की जाएगी कहाँ कहाँ कौन कभी रुका है, नहीं रुका, किसने इसको यहाँ दिया है। इससे पहले भी हमारी पुलिस राजस्थान में 3-4 दिन लगा के आई थी, पिन पॉइंट करके आए थे, लेकिन उस टाइम हमें इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली थी। ये तो शायद 1-1.5 महीना पहले ही अरेस्ट हुआ। कैसे करना है क्या करना है, अभी इनका पूरी इंटरव्यूशन नहीं आई है, लेकिन इतने बता हाँ जी उसके लिए फिराक में घूम रहे थे कि इसको कैसे ठिकाने। दिल्ली में वारदातों को अंजाम दिया सर इसने? अभी तो क्लियर नहीं है हमारे को कि दिल्ली में कितने मुकदमों में और वांटेड है, इतना ही पता चला था कि मकोका उस पे लगा हुआ है, गैंगस्टर, वो गैंगस्टर के ऊपर ही लगता है, जरूर वहाँ मुकदमे रहे होंगे, वहाँ अरेस्ट होगा पहले तभी लगा। एक और मोस्ट वांटेड और भी है हमारे, लेकिन हम एक एक करके कर रहे हैं। अब जैसे ये पकड़ा गया, सोनू और पवन दो और हैं हमारे, उन पर हमने टारगेट किया हुआ है, इसके बाद इनको इन पे काम करेंगे। मोस्ट वांटेड 2-3 ही हैं, टोटल 18 है।
जो इनामी है, 18 तो इनामी है हमारे, हाँसी में 18 इनामी है जी। एक यहाँ से पहले मोहित है जो अभी दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है, वो भी हमारे यहाँ मुकदमा में वांटेड है हमारे को, उस वो भी 50,000 का इनामी था, अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। अब आपका INT नेशनल आ गया है नए अंदाज में, खबर वही जो हो सही।